सूडान संकट पर एक्शन में राजस्थान सरकार, फंसे राजस्थानी लोगों के लिए गहलोत सरकार ने तेज की पहल, लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जारी। महंगाई राहत शिविर से पहले नौकरशाही में हुई फेरबदल, देर रात 25 आरएएस किए गए तबादले, अब आईएएस आईपीएस की तबादले सूची पर जारी मंथन। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा में किया गया दर्ज, तो वहीं कोटा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। 23 मार्च को उदयपुर में हुए धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री के भड़काऊ बयान पर दर्ज हुआ था एफआईआर, जिसके बाद कोर्ट ने दिया फैसला, धीरेन्द्र शास्त्री के अरेस्ट पर लगाई रोक। आरपीएससी पेपर लीक में हुआ नया खुलासा, हर 5 सालों से स्टाफ की जानकारी लेने आता था शेर सिंह। पंचुवन फीडबैक के बाद गहलोत पहुंचे दिल्ली, मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट, कई डिफॉल्टर मंत्रियों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। दौसा में जय श्री परशुराम के जयकारों से गूंजा आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी, कस्बे में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर निकाली गई शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। यूआईटी का बनेगा नया भवन, ग्रीन कॉन्सेप्ट के तहत बनाया जाएगा यह भव्य भवन जो इमारत को पारंपरिक तौर पर रखेगा ठंडा। राजस्थान इलेक्शंस 2023 में कांग्रेस के सर्वे में विधायकों को लगा झटका, 7 मंत्री विधायकों का कट सकता है टिकट, हारे प्रत्याशियों पर भी मंडरा रहा है संकट। महंगाई व राहत कैंप को लेकर चिंता में गहलोत सरकार, वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मांग को लेकर हड़ताल पर कर्मचारियों ने सरकार को दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या के मामले पर समझौता के बाद किरोड़ी लाल मीणा का आया बयान, धरना स्थगित किया है खत्म नहीं। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी ने कोटा और बूंदी में हो रहे 2 लड़कियों के बाल विवाह पर लगाया रोक। बाड़मेर में बालोतरा में ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज का हुआ सामूहिक विवाह, एक साथ 27 जोड़ों ने लिए फेरे। कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल के आसपास, तो वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं किया गया है कोई बदलाव। सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने ठंडा किया अक्षय तृतीया का उत्साह, सोने के दाम 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को किया पार। उदयपुर के गुलाबबाग इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की NICU में लगी आग, भर्ती सभी नवजातों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। डूंगरपुर में खेलते खेलते बावड़ी में गिरा 5 साल का मासूम, डूबने से हुई मौत, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला शव। रास्ता भटक आबादी में पहुंचा लेपर्ड, 2 दिन तक दहशत में रहे लोग, जिसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू कर कुंभलगढ़ में छोड़ा। भारत से थाईलैंड तक की साइकिल यात्रा, पर्यावरण और स्वास्थ्य की जागरूकता की मुहिम पर अकेला निकल पड़ा जोधपुर का विकास।